वन आई होप यू डूइंग absolutely फाइन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक ऐसा टॉपिक जिसपे यूजली है ना दुखती रग टाइप का होता है बायो में है ना एक तो प्लांट फ्यूज लोगों को पता नहीं क्यों नहीं पसंद आती इतना प्यारा तो चैप्टर है इतना प्यारा तो यूनिट है दूसरा रेस्पिरेशन टॉपिक के अंदर एक टॉपिक आता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पहले जो ऐसा दिखा करता था अब एनसीआर टी में कुछ ऐसा दिखने लगाए इसमें कुछ थियोरी में भी चेंजेस हुए हैं जिसके ऊपर बहुत सारे वीडियोज़ अभी बन रहे थे कि सर ये दो प्रोटोन है पुरानी में तो यहाँ चार यहाँ दो लिखा यहाँ चार क्या माने क्या करें क्यों करें तो इन सब चीज़ों पर यहाँ पर बात होगी हम यहाँ पर बस मैं इंफॉर्मेशन देने नहीं आया हूँ कि क्या है मैं तुम्हें समझाने आया हूँ ये क्या है काफी लोगों का इस टॉपिक में मिसकंसेप्शन भी बहुत भयंकर रहता है सो लेट अस गेट इट थॉरोली डन थॉरोली क्लैरिफाइड तुम्हारे 10 से 15 से 16 मिनट आई डोंट नो हाउ मच टाइम इट इज गोइंग टू टेक बट या आई नीड दैट मच टाइम ऑफ यूर्स सो लेट्स गेट डन विद दिस गिवन डाइग्राम ठीक है पहले एक बार थोड़ा सा बैकग्राउंड ले लो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम एरोबिक रेस्परेशन का एक बहुत क्रिटिकल एस्पेक्ट है जिसका ओवरऑल पर्पज़ है कि जो भी हमने यहाँ पर एन ए डी एच टू बनाया और एफ ए डी एच टू बनाया इसमें से ए टी पी निकालना डैट इज दार्ट एंड सोल ऑफ वाई वी आर डूइंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम दिस ओवरऑल सेटअप पूरा का पूरा जो सेटअप है यह कहां पर लगा हुआ है यह इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेंब्रेन पर लगा है इस तरफ मैट्रिक्स है ठीक है मैट्रिक्स है नहीं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जिसमें तुम्हारा साइकिल लिंक रिएक्शन यह सब कुछ चलता है यहां पर तुम्हारे पास इंटर मेंब्रेन स्पेस है और यहां पर कहीं बाहर की तरफ यह आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेंब्रेन होगी आई होप डेट्स क्लियर सो हियर देयर मस्ट बी सम आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेंब्रेन This is your inner mitochondrial membrane, and in between this space is said to be the intermembrane space. Cool. acha andar ki taraf that's your matrix where Krebs cycle and link reaction happen. Now मैंने शुरुआत में ही कहा कि ETS का और औल purpose क्या है? ETS का purpose है NADH2 का और FADH2 का ATP बनाना. ATP बनाने के लिए एक बहुत basic सी si requirement होती है, जिसे हम कहते हैं proton का gradient. ठीक है? प्रोटोन तो तो का तो ग्रेडियंट से सिंपल भाषा में मतलब कि जैसे कोई डैम है बांध पानी का बांध हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है तो हम क्या करते हैं उसमें कि हम एक दीवार बनाते हैं एक तरफ खूब सारा पानी जमा हुआ रिजर्वायर बना और अगली तरफ कुछ नहीं है फिर हम छोटे से स्पेस से पानी को छोड़ते हैं और टर्बाइन घूमती है एनर्जी बनता है द आइडिया इज इफ़ यू हैव अ ग्रेडियंट यू कैन क्रिएट एनर्जी ठीक है पर पर भी हमें gradient creation पर focused है, और यहां ग्रेडियंट बनने वाला है 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 उस gradient को हम कहते हैं proton का gradient हमें बनाना है. Gradient क्या होता ग्रेडियंट मतलब difference. जैसे मान लो ये पेन, मैंने इसको यहां से उठाया अब ये इस रीजन पर इसकी हायर पोटेंशियल एनर्जी है और नीचे लोअर पोटेंशियल एनर्जी के ग्रेडियंट सिंपल भाषा में डिफरेंस यानी कि जो पूरा का पूरा मोटो है ई का वो ये है कि इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन्स का नंबर बढ़ाते चले जाओ और बाहर से कंपेरेटिवली यहाँ पर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन्स का नंबर बढ़ा दो सो यू हैव ग्रेटर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कंपेयर टू मैट्रिक्स एंड देन एक ग्रेडियंट बन जाएगा कि एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम और फिर इसके ट्रांसफर का इस्तेमाल करो ये बैकग्राउंड है इस डायग्राम का हम सीधा इसको रंगेंगे नहीं कि इनर मतलब अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मतलब माइटो ऐसे भी पढ़ते हैं बच्चे यार ठीक है इससे बचे रहो तो पहले कंसेप्ट लो फिर डायग्राम पर घुसते हैं अब डायग्राम को समझने की कोशिश करना ठीक है मैंने भी जब भी पढ़ाया मैं हमेशा पुराने एन डायग्राम को उठा लेता हूँ बुक में अपडेट हुआ है तो हम भी इसी को थॉरोली कर लेते हैं ठीक है एक बार अब ध्यान से देखना यहाँ पर सबसे पहला स्टेप है एन आया एन ए डी एच टू का एन ए डी प्लस बन गया माइंड दिस यहाँ पर चार प्रोटॉन जो लिखा है इसको ऐसा नहीं लिखना चाहिए था माता है माता तुम्हें बहुत अच्छा मान के चलती है तो माता ने कंबाइन करके लिखा है मी करेक्ट डैट फॉर यू इसको यहाँ क्या लिखना चाहिए था बताएं ये एन ए डी एच टू है इसने अपने दो इलेक्ट्रॉन यहाँ नोटिस करना इसको दे दिए और इसने अपने यहाँ पर पर्टिकुलरली सिर्फ दो प्रोटॉन्स को भेजा है यहाँ तक बात समझ में आई अब क्या होता है ये दो इलेक्ट्रॉन्स पहुंचते हैं एफ एम एन के पास दिस इज कॉम्प्लेक्स वन जिसका पूरा नाम है एफ एम एन एन ए डी एच टू डी हाइड्रोजनेस वेरी इंपॉर्टेंट ये एन ए डी एच टू का डी हाइड्रोजनेशन करता है एन ए डी एच टू से दो इलेक्ट्रॉन और दो प्रोटॉन को ले लेता है और फिर से एन ए डी प्लस बना देता है ठीक है ये कुछ ऐसा समझो कि तुमको चेक में पेमेंट मिली है चेक को एनकैश कराने आए हो तो यहाँ पर एन ए डी एच टू ने अपने दो इलेक्ट्रॉन दो प्रोटॉन इसको दान कर दिए अब ये दो इलेक्ट्रॉन का सफर है जिसको तुम ई कहते हो ध्यान देना दो प्रोटॉन अभी तक अंदर आ चुके हैं अब आगे सुनो अगला क्या होता है यहां से फिर ये जो दो इलेक्ट्रॉन आगे पास होते हैं ये जो दो इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं इन्हीं कॉम्प्लेक्स के विदिन ये क्या करता है इन दो इलेक्ट्रॉन्स के बदले और दो प्रोटॉन्स को अंदर ले आता है इसको क्लियर रखना ठीक है ये विद इन दिस कॉम्प्लेक्स वन दिस इज हैपनिंग तो पहला पॉइंट क्या NADH2 से दो इलेक्ट्रॉन चेन में चलना शुरू हुआ ठीक साथ में दो प्रोटॉन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में पहुंचा अब साथ ही साथ ये जब दो इलेक्ट्रॉन और आगे बढ़े तो इन्होंने दो प्रोटॉन्स को बाहर से और ले आया और यहां पर दो प्रोटॉन्स और डाल दी समझ में आई बात तो जो एनसीआर माता ने यहां चार प्रोटॉन लिखा है इसका लॉजिक क्या है कि ये जो ऊपर मैंने दो प्रोटॉन लिखा प्लस ये वाला दो प्रोटॉन इन दोनों को मिलाकर के मेरे पास चार प्रोटॉन का हिसाब बना ठीक है अब आगे देखो अगला क्या होने जा रहा है कि अब ये दो इलेक्ट्रॉन पहुंचे यूबिक क्विन के पास ठीक है यूबिक क्विनॉन हम हमेशा पढ़ते हैं ये दगाबाज टाइप का मॉलिक्यूल है यूबिक्विनॉन एक हाइड्रोजन कैरियर है जैसे ही इसके पास इलेक्ट्रॉन्स आते हैं ध्यान देना इसके पास क्या आ रहे हैं बिल्कुल ध्यान देना यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ठीक है एक्चुअली दो इलेक्ट्रॉन्स पहुँचे हैं इसके पास इसके पास जब इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो यहाँ पर एक साइकिल घूमती है पूरी तरह से ठीक है यहाँ पर एक साइकिल कहते हैं इसको क्विनॉन साइकिल कहते हैं उतना तुम्हें नहीं पढ़ना ठीक है तो यूबिक्विन ने क्या किया बाहर से प्रोटॉन्स को उठाया ठीक है और क्या बना लिया यू क्यू एच टू अब यहां एक जरूरी चीज माता यहाँ टेक्स्ट में एक जरूरी लाइन लिखती है वो मैं तुम्हें मार्क कराता हूँ देखो माता कहती है यूबिक्विनॉन यूबिक्विनॉन मतलब यू क्यू लेकिन जब ये यूबिक्विनॉन एच प्लस को पकड़ के ू एच टू बनाता है तो अब हम इसको रिड्यूस्ड यूबिक्विन कहते हैं जिसे प्यार से यूबिक्विनॉल कहा जाता है यह बात समझ में आई क्या अगे चीज बहुत इंपॉर्टेंट तो यानी कि जो यूक्यू एच टू बना इसे हम प्यार से क्या करें यूबिक्विनॉल यहां सवाल बनता है अब आगे सुनो यहां नोटिस करना माता यहां पर एक इलेक्ट्रॉन लिखी है माता ने ऐसा लिखा है तो कुछ सोच के लिखा होगा पॉइंट क्या है कि देखो दो इलेक्ट्रॉन आए यहां पर अभी दो इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन इसी साइकिल में घूमता रहेगा ये यह जो यहाँ पर एक साइकिल चलती है कि नॉन साइकिल कहते हैं हमें नहीं पढ़ना हमारे सिलेबस के ऊपर ऊपर की बात है नॉट रेलिवेंट फॉर अस ठीक है हमें क्या सीखना है कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आगे निकला और यहाँ पर साइटोक्रोम बी के पास पहुँचा ठीक है ये साइकिल और सीक्वेंस समझ में आया मैं एक बार क्विक रिपीट तुम्हारे लिए कर दूँ चीजों को मैं इसको पूरा हटा के एक बार क्विक रिपीट कर देता हूँ उस कहानी बहुत सिंपल सी एन आया इसने अपने दो प्रोटॉन्स सीधा अंदर फेंक दिए और इसने दो इलेक्ट्रॉन्स को चेन में दे दिया ठीक है कॉम्प्लेक्स वन में ये चल रहा है फिर ये दो इलेक्ट्रॉन चेन में आगे बढ़ रहे थे आयरन सल्फर प्रोटीन से होते हुए और इसी बीच दो और प्रोटॉन्स अंदर आ गए तो कॉम्प्लेक्स वन में टोटल चार प्रोटॉन्स को यहाँ पर इंटरमेब्रेन स्पेस में लाया गया अब यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स दो इलेक्ट्रॉन्स पहुँचे यूविक्वनॉन के पास यूबिक्विन बाहर से तुरंत जो है अपना प्रोटोन वोटोन उठाया और क्या बन गया यू क्यू एच टू इसको हम प्यार से के नाम से जानते हैं माता यहाँ टेक्स्ट में जैसा कि डिस्क्राइब किया ठीक है अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन आगे गया और सुनो ये एच टू था होगा क्या यहाँ पर देखना ये कंटिन्यू मैंने देखो इस एरो को कंप्लीट किया अगर तुम यहां पर ढंग से एक मिनट हो इेजर काम क्यों नहीं कर रहे हैं अगर तुम यहाँ ध्यान से देखो तो मैंने इस एरो को कंप्लीट किया इसकी साइकिल चलती रहती है क्विनॉल साइकिल कहते हैं इसको ठीक है ये जो एच टू है एच टू को यहाँ भेज दिया जा रहा है दो प्रोटॉन्स को प्लीज वेरी इंपॉर्टेंट ये दो प्रोटॉन जो यूक्यू एच टू पकड़ के लाया -क्यू -क्यू जो कि हाइड्रोजन कैरियर है वो अब दो प्रोटॉन को यहाँ भेज दिया और फिर से यू क्यू बन गया तो यूक्यू का यही काम है इधर से इलेक्ट्रॉन लपक के पकड़ो अपना घूमो H प्लस को बाहर से पकड़ो और H प्लस को दो प्रोटॉन यहाँ पर बिल्कुल से भेज दिया अब ये वाला इलेक्ट्रॉन पहुंचा साइटोक्रोम बी के पास ध्यान देना हम कॉम्प्लेक्स वन के बाद सीधा कॉम्प्लेक्स थ्री पे पहुंच रहे हैं अभी कॉम्प्लेक्स टू नहीं आया ठीक है अब ध्यान से देखना कॉम्प्लेक्स थ्री होता क्या है साइटोक्रोम बी सी वन तो साइटोक्रोम बी से चले आयरन सल्फर पे आए साइटोक्रोम सी वन पे आ गए समझ में आई बात अब साइटोक्रोम सी वन से आगे नहीं बढ़ रहे अभी अभी एक सेकेंड का होल्ड करते हैं यहाँ आते हैं नीचे नीचे हमारे पास लगा हुआ है कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स टू को हम प्यार से क्या कहते हैं तुम्हारे पास एफ ए डी एच टू डी हाइड्रोजनियस जैसे तुमने नाम पढ़ा होगा बिल्कुल से या सिंपल भाषा में सक्सिनेट डी हाइड्रोजनेस नोट करें एक जरूरी चीज़ माता जब डायग्राम बनाती है इसका तो ये बड़ा डब्बा बनाती हैं ये पूरी तरह से ट्रांसमेम्बरीन चैनल टाइप का बन रहा है लेकिन ये ऐसा नहीं है यानी कि कॉम्प्लेक्स टू में ध्यान देना सक्सिनेट का फ्यूमारेट लिखा हुआ है ये साइकिल में होने वाला रिएक्शन अगर याद हो सक्सिनिल कोएंजाइम ए सक्सिनिक एसिड उधर जो नीचे रिएक्शन चलते हैं जहाँ पर तुम्हारे पास मैं यही दिखा देता हूँ ना एन में भी तो लिखा है ये सक्सिनिक एसिड मैलिक एसिड बीच में ना फ्यूमारिक एसिड भी आता है इन डॉट्स के पीछे बहुत कहानी छुपी है अभी हम गाथा शुरू करेंगे तो वहाँ आएगा तो इसी बीच यहाँ एफ बनता है दैट यू कैन सी ये वही एफ को यहाँ पर इस्तेमाल किया एक मिनट रुको डाइग्राम कहा गया हाँ ये वही एफ को यहाँ पर इस्तेमाल करने की बारी आ चुकी है ठीक है ध्यान देना अब एफ था एफ का क्या किया जाएगा ध्यान दोगे तो ये एफ बना दिया जाएगा ठीक है अब याद रखने की चीज़ यहाँ पर प्रोटॉन्स को नहीं लिया जा रहा है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को लिया जा रहा है यानी कि यहाँ पर माता ने क्या नहीं लिखा यहाँ पर मैं दो इलेक्ट्रॉन जो माता ने नहीं लिखा वो मैं लिख रहा हूँ तुम्हारे लिए ठीक है इसको और छोटा कर देते हैं यहाँ दो इलेक्ट्रॉन घूम फिर के इस तरीके से पहुँच रहे हैं समझ में आई बात फिर से यहाँ कौन आया यूबिक्विन अब यूबिक का जिंदगी भर का एक ही काम यूबिक क्विनॉन यहाँ से क्या करेगा पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉन उठाएगा बाहर से प्रोटॉन उठाएगा और दोबारा क्या बना देगा यू क्यू एच टू फिर इसने इस दो जो यहाँ से एच टू है ना दो प्रोटॉन, इसको जो इसने उठाया ये इसने फिर से इधर भेज दिया समझे बात को यानी कि हुआ क्या कि ये एफ ए डी है एफ ए डी से दो इलेक्ट्रॉन आए दो इलेक्ट्रॉन आयरन सल्फर प्रोटीन से होते के पास गए ने फिर किया हाइड्रोजन कैरियर है ये बड़ा लालची टाइप का इसको ऐसे याद रखो सपने दिखाता है और उठा उठा, उठा फेंक देता है ये काम है गाबिक्विनॉन का तो यूबिक्विन के पास दो इलेक्ट्रॉन पहुंचे ये तुरंत बाहर से दो प्रोटॉन मंगा लाता है और यूक्यू एच टू बनाता है और फिर ये यूक्यू एच टू के दो प्रोटॉन्स को वापस यहाँ पर भेज दे रहा है ध्यान देना समझ में आई बात अब सुनो आगे ये यू क्यू की साइकिल अपनी चलती रहती है आप सुनो यहाँ से दो प्रोटॉन आए यहाँ से दो प्रोटॉन आए ये दो प्रोटॉन दो प्रोटॉन माता जो यहाँ चार प्रोटॉन लिखती हैं इसका मतलब यही है दो प्रोटॉन कौन दे रहा है यूबिक और नीचे से और दो प्रोटॉन कौन दिया यूबिक तो ये साइकिल चली यहाँ तक बात समझ में आई और ध्यान देना माता यहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन की बात करती हैं माता यहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन की बात करती हैं क्यों क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ये साइकिल में घूम रहा है उसको इग्नोर करो अब यहाँ पर टोटल दो इलेक्ट्रॉन पहुंच चुके हैं समझ में आई बात अब इलेक्ट्रॉन अपना आगे बढ़ रहे हैं बिल्कुल से साइटोक्रोम सी वन से एक रास्ता चला साइटोक्रोम सी का साइटोक्रोम सी इज अ मोबाइल कैरियर याद रखने की चीज अब ये कहाँ प्रेजेंट है ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज योर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेंब्रेन राइट ये क्या है अपना इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेंब्रेन दिस इज द इनर साइड एंड दिस इज द आउटर साइड राइट सो दिस इज दी एक मिनट रुको हाँ ये अपना इनर साइड ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है और ये अपना आउटर साइड ऑफ इनर माइटोकॉन थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है लेकिन थोड़ा दिमाग में क्लैरिटी लेके और डायग्राम पे ध्यान दो कोशिश करो अपनी किताब सामने खोल के रखो तो ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का ये इनर साइड है और ये आउटर साइड है तो क्या मैं कह सकता हूँ कि साइटोक्रोम सी इज लोकेटेड ऑन द आउटर साइड ऑफ द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन माता यही कहीं थियोरी में भी इस चीज़ को लिखती है अब मुझे मिल नहीं रहा ये देखो साइटोक्रोम सी इज अ स्मॉल प्रोटीन अटैच टू द आउटर सरफेस ऑफ द इनर मेम्ब्रेन एंड एक्टिंग एज अ कैरियर फॉर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन कॉम्प्लेक्स थ्री एन कॉम्प्लेक्स फोर दैट इज वाट इज है यू कैन सी साइटोक्रोम सी वन से साइटोक्रोम सी इलेक्ट्रॉन्स को लेकर यहाँ पहुंचा यहाँ पहुँचे तो एक कॉपर है ध्यान देना ये तुम्हारे पास दूसरा कॉपर है तो अपने को दो कॉपर के सेंटर्स तो यहीं पर दिख गए बिल्कुल से पूछता है एग्जाम में हाउ मिनी कॉपर सेंटर सार देर तो टू कॉपर सेंटर और इलेक्ट्रॉन का सीक्वेंस याद रखो साइटोक्रोम देखो कहाँ से आ रहे हैं हम लोग हम लोग एन ए डी एच टू से आए एन ए डी एच टू एक मिनट हाँ ठीक है कभी कभी ना मैं आईपैड पे कंफ्यूज हो जाता हूँ कोई बात नहीं एन ए टू से शुरू किया हमने हम आए एफ पर आयरन सल्फर यूविक्विन फिर हम आए साइटोक्रोम बी आयरन सल्फर साइटोक्रोम सी वन देन साइटोक्रोम सी फिर आए कॉपर पर फिर आए साइटोक्रोम ए पर साइटोक्रोम ए के बाद साइटोक्रोम ए थ्री पर फिर से आए कॉपर पर और यहाँ से अल्टीमेटली दो इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम हो जाते हैं क्या रिएक्शन होता है Half O2 plus two protons gives you one H2O molecule. That is what happens, right? अच्छा एक और चीज़ Complex number four में जब finally दो electrons कंज्यूम हो गए Terminal electron acceptor अपना है O2. इसी के साथ साथ दो प्रोटॉन्स अंदर भी लाए जाते हैं इन दो इलेक्ट्रॉन्स के बदले इसको ऐसा समझो यहाँ पर ना प्यार का गलत फ़ायदा उठाया जाता है कैसे इलेक्ट्रॉन चाहिए प्रोटॉन को मासूम प्रोटॉन यहाँ बैठा है इसको लालच दिया जाता है कि आओ यहाँ पर आओ वो नहीं गाड़ी में बैठ जाओ वाला कहानी कि इधर आओ प्रोटॉन ये लो इलेक्ट्रॉन और उस लालच से प्रोटॉन को उठा उठा के पटक पटक के कहाँ इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में भर दिया जाता है दैट इज़ दी होल स्टोरी लाइन गेटिंग माई पॉइंट अब इस चक्कर में हुआ क्या इस चक्कर में यहाँ पर दो दो चार चार आठ दो दस टोटल दस प्रोटॉन्स हमारे पास कहाँ पर आ गए इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में आ गए तो ये तुम्हारी पूरी नई एन के हिसाब से ई का फ्लो था अब इस चक्कर में दस प्रोटॉन अंदर आ गए बाहर से कम हो गए तो यहाँ पर एक ग्रेडियंट बन गया देखो माता लिखती हैं इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बना इसी ग्रेडियंट का इस्तेमाल करता है ये कॉम्प्लेक्स फाइव जिसमें एक एफ जीरो चैनल है न्यू पर लगा एफ़ वन जिसे हम एटीपी पी सिंथेज लिख रहे हैं यहाँ से क्या होगा यहाँ से हम प्रोटॉन्स को पास करेंगे सो फॉर बाय ट्रांसफरिंग प्रोटॉन्स क्या होता है एडीपी प्लस पी आई एडीपी प्लस पी आई इन ऑर्गेनिक फोस्फेट बनता है एटीपी और इस प्रोसेस को कहा गया ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडेटिवेशन खत्म कहानी ये था एनसीआर का ETS का खूबसूरत सा डायग्राम तुम्हारे सामने आई होप ये तुम्हें क्लियर किया हो अब तुरंत बैठ के इसकी रीडिंग लगाओ मैं ये सारी रीडिंग्स भी करवा रहा हूँ ये इस वीडियो का मोटो था इस डायग्राम को समझाना आई होप मैं तुम्हें समझा पाया हूँ नहीं समझा पाया हूँ तो नीचे कमेंट्स में लिख देना क्या पागल आदमी है ये समझा ही नहीं ठीक है और अगर समझ आया हो तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर डाल देना कि हाँ सर क्लैरिटी आई इस डायग्राम के ऊपर ठीक है बहुत तामझाम वाले इसके हैं ना लोग फंस जाते हैं इसमें ठीक है आई होप अभी तो मैं ये एक चीज़ें क्लियर हूँ अच्छा एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन सभी के लिए और ये वाला पार्ट जिनका रहा है मैं ये पूरी थ्योरी रीडिंग करवा रहा हूँ ठीक है सी दैट इज हाउ यू डिसेक्ट इन सी आर टी टेक अ बैकग्राउंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द दानसेप्ट ठीक है गेट इन टू द डेप्थ ऑफ़ द लाइन्स गेट इन टू द डेप्थ ऑफ द डायग्राम दैट्स हाउ यू रीड इफ दिस इज नॉट हाउ यू रीड ठीक है आई हैव सीन पीपल रीडिंग लाइक दिस मेरा इरेजर खराब हो गया हाँ तो क्या लिखा ऐसे कि जैसे यूबिक क्यूनॉन ऑल्सो रिसीव रिड्यूसिंग इक्वलेंट बाई एफ ए एच टू मतलब यूबिक क्यूनॉन रिड्यूसिंग इक्वलेंट लेता है एफ ए एच टू से दैट इज जनरेटेड ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सिनेट टू सिटरी यानी कि दिस इज नॉट अबाउट ट्रांसलेशन ठीक है द सीरीज़ दैट वी डू हियर इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग बिकॉज तभी क्वेश्चन बनते हैं तब कोई फंसा नहीं पाएगा तुमको ठीक है तो ये हमें काम कर रहे हैं एन uh, सी आर टी निचोड़ ठीक है यानी यार मैंने सात आठ महीने पहले शुरू किया था कुछ uh, था ऐसा सिस्टम जिस वजह से हमें सीरीज को हम कंटिन्यू नहीं कर पाए थे हमने दो तीन चैप्टर्स किए थे इसमें कवर लेट्स रिज्यूम इट वी आर बिगिनिंग विद मॉलिकुलर बेसिस ऑफ़ इन्हैरिटेंस वेरी सुन फाइंड ऑल द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन और इन दैन ऑन द चेनल इट्स डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड द बेस्ट पार्ट वुड बी यू कनेक्ट डायरेक्टली ऑन टेलीग्राम फॉर ऑल द रेगुलर अपडेट्स आई डू टेक मॉक्स ठीक है हम लोग फुल सिलेबस टेस्ट भी कर रहे होते हैं रेगुलर बेसिस पर सो यू कैन अटेंड दैम फॉर अल्टीमेट क्लैरिटी ठीक है रेस्ट एज श्योर आई एम हियर एंड इट्स वेरी नॉर्मल लेट वी क्रिएट दी बेस्ट results एवरी ईयर लेट्स डू इट अगेन दिस टाइम लेट्स क्रैक इट everyone चैनल नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना डू लीव अ कामेंट की समझ आया नहीं समझ आया गहराइयों में घुस पाए कि नहीं घुस पाए और या वीडियो को आगे सब तक शेयर भी कर देना लाइक कर देना और लेट्स क्रैक इट सी यू इन दी अपकमिंग क्लासेज टू कनेक्ट ऑन टेलीग्राम ठीक है यहाँ पर बाकी सारी अपडेट्स आ जाती हैं एंड बाकी दिस इज योर लेक्चर्स डेट वी आर बिगिनिंग विद ठीक है मिलते हैं क्लासेस में